हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप बहुत ही इजीली घर पे बैठे अपने गिटार का एक्शन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो स्ट्रिंग स्पेसिंग भी चेक कर सकते हैं और नट विड्थ भी चेक कर सकते हैं बिना कोई एक्सपेंसिव गिटार टूल या गिटार ओरिएंटेड स्केल लिए। तो बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आप सबके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे को काफ़ी लोगों की क्वेरीज आती हैं कि वो गिटार का एक्शन कैसे चेक करें। स्पेशली मैं बिगनर्स की बात कर रहा हूँ जो कि फर्स्ट टाइम अपना एक अकूस्टिक गिटार खरीद रहे होते हैं। उनको कोई आइडिया नहीं होता कि गिटार का एक्शन क्या होता है। जब तक वो उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, तो दूसरी डिफ़िकल्टी उनको फेस करनी पड़ती है कि उसको चेक कैसे करा जाए। और काफ़ी लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि बिना कोई हैंडी गिटार टूल के वो गिटार का एक्शन कैसे चेक करें। मार्केट में आपको कुछ इफेक्टिव गिटार टूल्स मिल जाएंगे जिससे कि आप अपने गिटार का एक्शन, नट विड्थ और स्ट्रिंग स्पेसिंग चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ ये आइबनीज का मल्टी टूल, जो कि मेरे को अपने आइबनीज प्रेस्टीज इलेक्ट्रिक गिटार के साथ फ्री मिला था। ये आप चाहें तो अलग से भी खरीद सकते हैं। ये अमेजोन पे है, करीब 800-900 रुपए का मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक बिगनर हैं या अकूस्टिक गिटार प्लेयर हैं तो उनके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव टूल नहीं है। ये ज़्यादा यूजफुल रहता है इलेक्ट्रिक गिटार प्लेयर्स के लिए और स्पेशली वो जो कि फ्लॉयड रोज ब्रिज यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ गिटार ओरिएंटेड रूलर भी आते हैं जो कि करेंटली इंडिया में आपको इतने एक्सटेंसिवली अवेलेबल नहीं होंगे। अमेजोन पे आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ, लेकिन वो स्पेशली इंपोर्ट होते हैं तो वो थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ सकते हैं, वही करीब 500 से 1000 रुपए के प्राइस रेंज में। तो वो भी इतना वर्थ नहीं रहता, क्योंकि अगर आपके पास एक ही गिटार है और उसको चेक करना है तो उसके लिए शायद काफ़ी सारे लोग ऐसी चीज़ों में नहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो आपको मैं एक बहुत ही सिंपल मेथड बताता हूँ गिटार का एक्शन मेजर करने के लिए और बाकी चीज़ें मेजर करने के लिए। वो है कि आप अपने घर में जो रेगुलर रूलर होता है उसको यूज़ करिए। तो ये जो रेगुलर स्केल या रूलर होता है ये सभी के पास होता है, नहीं भी होता तो आप इसको खरीद सकते हैं, करीब 5 से 10 रुपए का आता है। और इससे जो है आप अपने गिटार का एक्शन, स्ट्रिंग स्पेसिंग और नट विड्थ बहुत ही आराम से चेक कर सकते हैं। अब यूजुअली जो गिटार का एक्शन, स्ट्रिंग स्पेसिंग या नट विड्थ होती है उसको हम मिलीमीटर्स में ही मेजर करते हैं। और यहाँ पे जो मेरे पास आइबनीज का मल्टी टूल है, इसके अंदर जो एक स्केल दे रखा है छोटा सा, ये मिलीमीटर्स में ही दे रखा है और ये बेसिकली 50 मिलीमीटर्स का है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर्स का। यहाँ पे बस एक जो बेनिफिट हो जाता है वो ये है कि आपको 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर रीडिंग तो देखने को मिलेगी, लेकिन इवन आप 0.5 मिलीमीटर भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आपका रेगुलर स्केल जो है उसको भी आप बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट का आप देखिए बहुत ही यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। तो बेसिक चीज़ें जो है उसका आपको आराम से आइडिया लग जाएगा एक रेगुलर स्केल से भी। अब रेगुलर स्केल में आपको सेंटीमीटर्स देखने को मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको मिलीमीटर की रीडिंग भी देखने को मिल जाएगी, तो इससे भी आपका काम आराम से चल जाएगा। यहाँ पे मैंने दोनों स्केल्स को एक साथ प्लेस किया है और आप देख सकते हैं जो मेजरमेंट्स है वो प्रिसाइसली अलाइंड है। तो दोनों से अगर आप चेक करेंगे तो आपको एकदम आइडेंटिकल रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले बात करें गिटार एक्शन की, तो गिटार का एक्शन होता है स्ट्रिंग और फ्रेटबोर्ड के बीच का डिस्टेंस। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है चेक करना, क्योंकि अगर एक्शन ज़्यादा है तो आपको दिक्कत होगी गिटार प्ले करने में। जब आप फिंगर्स प्लेस करते हैं फ्रेटबोर्ड पे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी स्ट्रिंग प्रेस करने में अगर आपके गिटार का एक्शन हाई है। और अगर आपके गिटार का एक्शन लो है तो उससे स्ट्रिंग बजिंग की प्रॉब्लम आएगी और आप जब भी कुछ प्ले करेंगे तो बजिंग साउंड आपको ज़्यादा सुनाई देगी, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं होती। गिटार एक्शन जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होता है जब आप नट से मूव करते हैं ब्रिज तक। कई लोगों को लगता है कि गिटार का जो एक्शन है वो हमारा ज़्यादा है, फर्स्ट फ्रेट पे कम है, लेकिन 12th या 14th फ्रेट पे ज़्यादा है। ये नेचुरली होता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन गिटार का कितना एक्शन होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। गिटार का एक्शन हम चेक करते हैं 12th फ्रेट पे, तो आप 6th स्ट्रिंग पे प्लेस कर सकते हैं अपना रूलर या फर्स्ट स्ट्रिंग पे प्लेस कर सकते हैं। यूजुअली 6th स्ट्रिंग पे प्लेस करके आप आराम से चेक कर सकते हैं, उससे ही आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपके गिटार का एक्शन कैसा है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि आइडियली क्या गिटार का एक्शन होना चाहिए, तो अकूस्टिक गिटार पे जब आप 12th फ्रेट पे प्लेस करेंगे स्केल तो आपका एक्शन होना चाहिए अराउंड 2.5 से 3 mm 6th स्ट्रिंग पर और अराउंड 1.5 से 1.8 mm फर्स्ट स्ट्रिंग पर। और इलेक्ट्रिक गिटार के लिए आपका एक्शन होना चाहिए 2 से 2.5 mm 6th स्ट्रिंग पे और अराउंड 1.5 mm फर्स्ट स्ट्रिंग पर। अब आइबनीज मल्टी टूल सेट का जो रूलर होता है उससे गिटार एक्शन मेजर करना काफ़ी इजी होता है। बस आपको फ्रेट के ऊपर उसे प्लेस करना है और आप इजीली अपने गिटार का एक्शन चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेम तरीके से अपना जो रेगुलर स्केल होता है उसको रखेंगे फ्रेट के ऊपर तो आपको जो है रिजल्ट सही नहीं मिलेगा,
क्योंकि जहां से यूनिट शुरू हो रहे हैं, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं कि 0 सेंटीमीटर जो है वो स्ट्रिंग पर ही आ रहा है, तो ऐसे एक्यूरेटली आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको जो स्केल प्लेस करना है वो इस तरह करना है कि जो 0 मार्किंग है आपके स्केल पर वो फ्रेट के एज पर आए, तो कुछ इस तरह जो है आपका स्केल प्लेस होगा। तो अगर हम दोनों स्केल की मेजरमेंट्स को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली दोनों में आपको आइडेंटिकल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सिमिलरली आप फर्स्ट स्ट्रिंग पे भी इसी तरीके से एक्शन मेजर कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रिंग स्पेसिंग की, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, स्पेशली अगर आप फिंगर स्टाइल प्ले करते हैं, तो ये भी आप आराम से चेक कर सकते हैं एक रेगुलर स्केल से। स्ट्रिंग स्पेसिंग चेक करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है कि आप फर्स्ट स्ट्रिंग और 6th स्ट्रिंग की जो ब्रिज पिन है उनके सेंटर से जो है मेजर करिए। इसके अलावा जो दूसरा तरीका जो कि मैं यूज़ करता हूँ वो है कि 2 स्ट्रिंग्स के बीच का गैप मेजर करना। अब 2 स्ट्रिंग्स के बीच का गैप भी आप सेम तरीके से ही मेजर करेंगे कि कोई भी 2 जो ब्रिज पिन्स हैं उनके सेंटर से आप मेजर करेंगे। स्ट्रिंग स्पेसिंग को मेजर करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप अपना स्केल जो है या तो सैडल के ऊपर या उसके आसपास ही प्लेस करेंगे प्रॉपरली इसको मेजर करने के लिए। जो हमारे गिटार की स्ट्रिंग्स होती हैं वो भी ब्रिज पिन के सेंटर से ही जाती है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 2 पिक्स हैं अपने गिटार की, अलग अलग ब्रांड्स की गिटार हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ब्रिज पिन के आगे हल्का सा एक स्लॉट है जिससे कि स्ट्रिंग पास हो रही है सैडल पे, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो सेंटर से ही पास हो रही है, तो स्ट्रिंग के ऊपर रख कर आप जो है आराम से मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक पेपर प्लेस कर रहा हूँ स्ट्रिंग्स के नीचे ताकि आपको जो है स्केल से रीडिंग क्लियर दिख सके। तो थिकर स्ट्रिंग्स पे पर्टिकुलरली आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो है अपने रूलर को स्ट्रिंग के सेंटर पे रखें कुछ इस तरह, और इस तरह आप जो है स्ट्रिंग स्पेसिंग आराम से मेजर कर सकते हैं। इस तरह आप नट विड्थ को भी मेजर कर सकते हैं अपने रेगुलर रूलर से। आपको बस ध्यान रखना है कि आपको एच टू एच उसको मेजर करना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो वो भी कमेंट करिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ उस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।